हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एंड बेस्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एमी विर्क की टॉप 5 बेस्ट इंडियन मूवीज़ के बारे में। एमी जो कि टैलेंटेड होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर हैं और लोग इनकी एक्टिंग और मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमी विर्क की टॉप 5 बेस्ट इंडियन मूवीज़ के बारे में बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले नंबर 5 पे हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था बाजरे दा सिट्टा, जो कि 2022 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 53 मिनट था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 थी। ये मूवी अमेजोन प्राइम पे भी मौजूद है और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें एमी विर्क, आकांक्षा सेरिन, रणदीप भंगू और तानिया शामिल थे। 4th नंबर पर हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था मोर्ख, जो कि 2023 में रिलीज़ की गई थी। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 20 मिनट था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 थी और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें एमी विर्क, नायकरा कौर, देव खरूद और विक्रमजीत विर्क शामिल थे। 3rd नंबर पे हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम था किस्मत, जो कि 2018 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 20 मिनट था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 थी और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें एमी विर्क, सरगुन मेहता, गुगु गिल और तानिया शामिल थे। 2nd नंबर पे हम जिस मूवी की बात करेंगे उसको भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस मूवी का नाम था अंग्रेज, जो कि 2015 में रिलीज़ की गई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 16 मिनट था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 थी और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें एमी विर्क, अमरिंदर गिल, सरगुन मेहता और अदिति शर्मा शामिल थे। लास्ट में नंबर 1 पे हम जिस मूवी की बात करेंगे वो मेरी अपनी भी फेवरेट है और इसे लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस मूवी का नाम था कुड़ी हरियाणे वल्दी, जो कि 2024 में रिलीज़ की गई थी। ये एक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 42 मिनट था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.7 थी और इस मूवी के अंदर जो हमारे पास मेन एक्टर शामिल थे उनमें एमी विर्क, सोनम बाजवा, अजय हुदा और युवराज सिंह शामिल थे। तो आप इस मूवी को लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।